नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। इस वीडियो में तुला राशि से मीन राशि वालों का फलादेश। तुला राशि, आज दिन बेहतर है। पिछले दो दिनों का तनाव और अप्रसन्नता आज दूर होगी, मन शांत रहेगा, लेकिन अभी धैर्य रखने की ज़रूरत है। आज आप भविष्य से जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, बहुत सोच समझ कर कोई निर्णय करें। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 65। वृश्चिक राशि, आज मन अप्रसन्न रहेगा। धार्मिक, आध्यात्मिक और गूढ़ विषयों के प्रति रुचि जागृत होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन इत्यादि भी सावधानी से चलाएं। नकारात्मक सोच न आने दें और आत्मविश्वास बढ़ाए रखें। परिश्रम थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। धन संपत्ति के मामले में प्रगति होगी। कार्य क्षेत्र सामान्य रूप से ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभता का प्रतिशत है 50। धनुराशि, आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में मजबूती रहेगी। सहकर्मियों व अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यस्ततापूर्ण दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में मजबूती रहेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा नियंत्रित व्यवहार रखें। यात्रा के योग भी बनते हैं, जिससे लाभ भी होगा। शुभता का प्रतिशत है 75। मकर राशि, आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। वैसे तो आप आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन कार्यों की अधिकता, कार्य क्षेत्र की दिक्कतें आपको तनाव दे सकती हैं। आज परिश्रम कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि यह परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। आज निर्णय भी सोच विचार करके करें। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति व लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता की स्थिति दिखाई पड़ती है। शुभता का प्रतिशत है 70। कुंभ राशि, आज का दिन हंसी खुशी से, मनोरंजन से भरपूर रहेगा। कला, साहित्य और रचनात्मक गतिविधियों में संलग्नता रहेगी। आज निवेश बहुत सोच समझ कर करें। कार्य क्षेत्र में सामान्य रूप से ठीक ठाक है। पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सतर्क रहना होगा। धन संपत्ति के मामले में आज निर्णय न करें तो बेहतर है। दाम्पत्य जीवन में उलझने आएंगी। व्यवहार पर नियंत्रण रखें। शुभता का प्रतिशत है 60। और अंत में अब मीन राशि। आज का दिन थोड़ी व्यस्तता पूर्ण रहने की उम्मीद है। किसी पुरानी समस्या के विषय में विचार करके तनावग्रस्त होने से बचें। हालात से समझौता करना ही बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ तकरार हो सकती है। बहुत सोच विचार करके वाणी पर नियंत्रण रखते हुए व्यवहार करें। आर्थिक जोखिम से भी बचने की आज जरूरत है। खर्चों पर पूर्ण नियंत्रण रखें। थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल में रहें तो ये बेहतर होगा आपके लिए। शुभता का प्रतिशत है 50। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।